हेलो दिस इज मी आपके रिले लेके आए हैं कॉल रीडिंग जो कि हो होगी हो एवर नीड्स एट तो आप रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जिनके माइंड में कोई सवाल है और जानना चाहते हैं कि उसका जवाब क्या है तो उसके लिए रीडिंग चेक कर सकते हो इसमें आ, मैं साथ में और कार्ड भी ऐड करूँगी टू तो गिव यू एडिशनल गाइडेंस जो भी आपका सवाल होगा उसके जवाब में जो भी आएगा उससे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए वो जानेंगे हम साथ में और गार्डन से सो so स्टीट और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी सो so जो बात है जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब छोड़ दो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैस पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी सो लेट्स टाइविंग टू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट जो भी सवाल है आपका आपके माइंड में आप उसके बारे में सोच सकते हो लव कैरियर वर्क फाइनेंस जॉब घर ये वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है आप सोच सकते हो उस सवाल के बारे में पाँच सेकेंड दूंगी आपको ताकि आप अपना सवाल सोचो उसके ऊपर यू नो फोकस रखो और फिर हम उसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे Let's find out. You will have to make it up as you go. One step at a time लेने की जरूरत है आपको मुझे लगता है कि आपको एफर्ट करने की जरूरत है टू गेट वट यू वॉन्ट उसमें एक स्टेप एट अ टाइम लो फिर कि फिर जाके आपको सक्सेस मिल सकता है uh, मुझे लगता है कि आप अगर चाहते हो ना कोई चीज़ आपके हक हाँ में बेहतर हो जाए जो भी आपकी डिज़ायर है जो भी आपकी विश है उसको आप एफर्ट किए बगैर हासिल नहीं कर सकते तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप चाह रहे हो कि हो जाए आपके फेवर में हो जाए तो मुझे लगता है कि आपके एफर्ट के बगैर तो वह आपको नहीं मिल सकती चाहे वो फिजिकल एफर्ट है या मेंटल एफर्ट है एफर्ट करना इज अ मस्ट तो हाव एवर इट अप्लाइज टू योर सिचुएशन मुझे लगता है कि आप यू um, नो you know, शायद उसके बारे में सोच ज़्यादा रहे हो एक्शन कम ले रहे हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्शन लेने की जरूरत है और उसके अलावा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ आगे जाने की जरूरत नहीं है वन स्टेप एट अ टाइम लेकर देखो और देन सी हाउ थिंग्स को गाइडेंस क्या है आपके लिए गेलन सिचुएशन में वाओ सॉरी टू यू योर विज डम पहली चीज थिंक ऑफ बींग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड एन टोटल हारमोनी विद एवरीथिंग द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज दर वेट साइलेंटली जूरिंग यूर क्वाइट टाइम्स राइट नाव जो भी आपकी डिजायर है जिसको लेकर आप सोचते हो मुझे लगता है कि इस, इसको सोचते हुए आप उसका लैक फील ना करो तो आपके लिए बेहतर होगा आप अगर उसको ऐसे सोचो और इस टाइम को यूज़ करो टू तो मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट तो आपके लिए बेहतर होगा कहीं ना कहीं आप उसका ऑपोजिट वे अपना रहे हो टू गेट यू वांट सो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर थोड़ा यू नो पेशेंस रखते हुए कोशिश करिए और अपने आप से पूछना है अपने रब से क्वेश्चन करना है दुआ करनी है इंटेंड करना है कि आपको रास्ता दिखाए कैसे आप ये चीज हासिल कर सकते हो आपने इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आपने ये नहीं सोचना कि आपको यह चीज़ नहीं मिल सकती आपको एफर्ट करना पड़ेगा आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा आपको उसकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा आपको घर बैठे बिठाए आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कभी कभी होता है आप लकी हो जाते हो आपको मिल जाती है बट ये जो भी आपकी विश है जो भी आपकी डिजायर है जो भी आपका सवाल है ये आपको घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा यू हैव टू टेक एक्शन फिजिकल मेंटल इमोशनल एक्शन लेने की की यू नो जो um, जो की टू सक्सेस है वो एक्शन लेना है आपके लिए ठीक हो गया विजडम हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट योर वाइज बियॉन्ड योर इयर्स नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन योर इन विजडम टू हेल्प यू विद चैलेंज अगेन जो आपके राइट नाउ चैलेंजेस आ रहे हैं जब आप अपने साथ टाइम बिताते हो ना और जब अपने रब से मदद मांगते हो टू गेट यू द गाइडेंस टू गेट यू द यू नो जो भी आपको इंफॉमेशन चाहिए जो भी आपको विजडम चाहिए टू डील विद द होल थिंग मुझे लगता है कि आपको विजडम मिलता है सो राइट ना इंस्टेड ऑफ़ लाइक कंप्लेनिंग इंस्टेड ऑफ़ वर्डिंग कोशिश करो कि आप अपना टाइम जो है वो uh, अच्छे तरीके से यूज़ करो और अपने Uh, जो लेस हैं उनसे लर्न करते हुए डिसीजन लो एक्शन लो बहुत जरूरी है राइट नाउ कि आप एक्शन लो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अः यू नो आप एक लाला लैंड में हो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आपको उससे निकलकर एक्शन प्रैक्टिकल एक्शन लेने की जरूरत है राइट नाउ गिवन सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप अपना विजडम भी अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहे हो आपकी जो गाइडेंस है इंट्यूशन है आप उसको लिसन नहीं कर रहे हो सो so, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है लेट्स टेक टू मोर कार्ड्स लेट्स सी जो भी आपका सवाल है उससे रिलेटेड और क्या हम जान सकते हैं यहाँ पर जजमेंट एंड द हैंगमैन मुझे लगता है आपके लिए चीजें रुकी हुई हैं आपका रास्ता क्लियर नहीं है अगेन उसमें आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है आपका जो रास्ता रुका हुआ है जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट रॉन्ग वे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ना होना आपके लिए अच्छा हो सकता है इस चीज़ का और uh, इस चीज़ की तरफ चलते चलते आपके लिए और ऑप्शनस का आ जाना वो भी एक पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से शायद ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप uh, कुछ ऐसी चीजें हैं जो राइट ना आपको जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है और क्लैरिटी नहीं है और जैसे होता है ना कि एक एक सिचुएशन आपके सामने बिल्कुल खुल के आ गई है वो चीज़ नहीं है इस सिचुएशन को लेकर जो भी आपने सवाल किया है उस सिचुएशन को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे ढकी और छुपी हुई हैं इसीलिए शायद आपसे कहा जा रहा है कि वन स्टेप एट अ टाइम लेकर चलो क्योंकि शायद जो आप डिजायर करो वो आपको बाद में चाहिए ही ना हो हो सकता है कि आप अपने इनर गाइडेंस को एक निगलेक्ट करते हुए उस चीज़ की तरफ स्टिल कदम लेना चाहते हो और आपको कहीं ना कहीं उसमें हर हर टाइम आपको ब्लॉक नज़र आता है क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो जो आपको देखनी चाहिए सो so, um, मुझे लगता है कि गिवन uh, सिचुएशन में कोशिश करो कि आप वन स्टेप एट अ टाइम लो यू you नो know, इस क्वेश्चन इस को लेकर uh, अपने माइंड को पहले क्लियर करो गाइडेंस के लिए uh, दुआ करो मेडिटेशन्स um, करो ताकि जो आप गाइडेंस मांग रहे हो आपको मेडिटेशन्स का आंसर मिल में दुआओं का आंसर मिल सके गाइडेंस मिल सके एक और चीज़ आपको करने की ज़रूरत है कि ट्राई टू नॉट ओवर थिंक अबाउट इट क्योंकि जब आप ओवर थिंक करते हो ना तो आप अपने माइंड में आपके फियर्स आना शुरू हो जाते हैं डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं तो क्लैरिटी जो आनी भी होगी वो भी नहीं आएगी इसीलिए शायद आप अपने यू नो जो आपको इंट्यूशन आपका कह रहा आप उसको सुन नहीं पा रहे हो सो so, कहीं ना कहीं राइट right ना आपको इसको लेट गो करने की जरूरत है क्योंकि चीजें में मुझे लग रहा है कि ब्लॉक है या फिर डिले है लेकिन ये डिले और ब्लॉक आपके हक हाँ में बहुत बेहतर है सो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट इट Uh, मुझे लगता है कि राइट नाउ इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपनी इनर विजडम को जो है वो यूज़ करते, uh, करते हुए अपने रब से कनेक्ट करते हुए अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हुए आप गाइडेंस सीख करोगे तो आपके लिए रास्ते और सिचुएशन खुलकर सामने आ जाएगी सो so, वो बहुत ज़रूरी है राइट right नाउ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप uh, अपनी जिंदगी में जो डिज़ायर कर रहे हो लेट मी टेक वन मोकार आप इस चीज से लेके इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो इमोशनली जब आप किसी चीज़ से अटैच हो जाते हो तो आप आपका मूड स्विंग्स आपकी हर चीज़ उससे कनेक्टेड हो जाती है तो मुझे लगता है कि वो भी ना करने की जरूरत है राइट नाउ। और ट्राई करो कि सरेंडर कर सको इस सवाल को लेकर राइट नाउ, इस चीज को लेकर राइट नाउ और देन सीक गाइडेंस और फिर एक और चीज़ आप कर सकते हो कि एज यू गो अबाउट योर डे और लाइफ अबाउट इट Uh, कोशिश करो कि की आस्किंग व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग जो आपको करने की ज़रूरत है और क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है एंड देन अलाउ डिवाइन टू हेल्प यू सो जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में चीज़ें वन बाय वन वर्कआउट होंगी और वन बाय वन आपको रास्ते क्लैरिटी दिखेगी मिलेगी जो कि आपको चाहिए राइट नाउ टू मेक द राइट डिसीजन ऑफ योर लाइफ सो इंस्टेड ऑफ़ वेस्टिंग योर टाइम थिंकिंग रॉन्ग मुझे लगता है कि अगर आप ये सब में अपना टाइम लगाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा सो so, या ये थी रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प क्या हो गाइड क्या हो, क्या हो? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और ट्राई नॉट टू रश इनटू थिंग्स चीज़ों में डिले है लेकिन उसमें आपके लिए भलाई है सो यार टेक केयर बाय